हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि पीरियड्स के दौरान ओवुलेशन होता है या नहीं? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पीरियड्स के दौरान ओवुलेशन नहीं होता है, लेकिन पीरियड्स के दौरान महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। फ्रेंड्स, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने अभी आपको बताया कि पीरियड्स के दौरान ओवुलेशन नहीं होता है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पीरियड्स के दौरान महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आइए हम आपको डिटेल में समझाते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब महिला के गर्भाशय में ओवुलेशन होता है, यानी कि जब उनके अंडाशय से अंडे निकलते हैं, तो उनका गर्भाशय, तो उनका यूट्रस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। गर्भाशय की दीवार धीरे धीरे मोटी होनी शुरू हो जाती है, ताकि वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सके। फ्रेंड्स, जब इस एग सेल्स को, जब इस अंडे को कोई भी शुक्राणु नहीं मिल पाता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब की मदद से गर्भाशय में आ जाता है। फिर इस ये गर्भाशय की दीवार धीरे धीरे टूटने लगती है, फिर पीरियड्स के शक्ल में बाहर आ जाती है। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो पीरियड्स आने के 2 हफ्ते पहले ही ओवुलेशन हो जाती है, पीरियड्स के दौरान ओवुलेशन नहीं होती है। अब मैं आपको दूसरे कन्फ्यूज़न को भी दूर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि पीरियड्स के दौरान महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। फ्रेंड्स, होता क्या है, कुछ महिलाओं के पीरियड्स टाइम पर नहीं आती है, कुछ महिलाओं के पीरियड्स इररेगुलर होती है, तो कुछ महिलाओं की पीरियड साइकिल बहुत ही छोटी होती है, उनकी पीरियड्स 20 या 25 दिन के गैप में ही आ जाया करती है। जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल बहुत ही छोटी होती है और जिन महिलाओं की पीरियड्स इररेगुलर होती है, यानी कि टाइम पर नहीं आती है, तो उनका ओवुलेशन पीरियड्स ख़त्म होने के 3 से 5 दिन के अंदर में ही हो जाती है, यानी कि उनकी ओवुलेशन पीरियड्स ख़त्म होने के तुरंत बाद हो जाती है। जबकि स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, महिला के गर्भाशय में लगभग 5 से 7 दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ही छोटी कैलकुलेशन करके आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि पीरियड्स के दौरान भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि पीरियड्स के दौरान अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे, तो शुक्राणु आपके फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा और वहाँ ये लगभग 7 दिनों तक जिंदा रह जाएगा। और जैसे ही आपकी पीरियड्स ख़त्म होगी और जब आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, यानी कि महिला प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपके मन से ये सारे कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दिए होंगे और आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं में ओवुलेशन होता है या नहीं, और पीरियड्स में महिला कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, हो सकता है कि ये वीडियो किसी के लिए बहुत ही खास हो जाए। और इसी तरह के हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सेहत रात को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।